हेलो फ्रेंड्स, कम बैक। तो हम लोग आपके साथ करने जा रहे हैं आज के क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आर्बिट्रेज गेन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। आर्बिट्रेज गेन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है, जब हम बोलते हैं आर्बिट्रेज तो आर्बिट्राज का मतलब होता है डैट इज़ रिस्क फ्री। हालांकि दुनिया में रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक्चुअल में रिस्क फ्री है। हाँ, इस स्ट्रैटेजी से ऐसा नहीं है कि आप बहुत अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, बट यस, पैसा कमा सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। आर्बिट्राज गेन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हम बोलते तो ये हैं कि विद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल में ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्लस प्लस कैश सेगमेंट के मिक्स की कहानी है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैश सेगमेंट के मिक्स की कहानी है। एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैंने कहा आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, ये टाइम जीरो और ये टी सिक्स मंथ्स, एक मोटा मोटा समय ले लिया 6 महीने, ठीक है, और मैंने कहा ये भी ये ऐसे ही लिख दिया 6 मंथ्स। तो 6 महीने का समय हमने लिया और मैंने कहा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप एक मार्केट वन और एक मार्केट टू, सपोज करो दे आर टू मार्केट्स, ठीक है, और इन दोनों मार्केट्स के अंदर आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, व्हाटएवर। मैंने एप्पल A4 ले लिया। मैंने कहा एक मार्केट के अंदर 6 महीने के बाद एप्पल मिल रहा है लेट अस से 100 रुपये पर केजी, और दूसरे मार्केट में जब आपने एनालाइज किया तो वहाँ मिल रहा है 105 रुपये पर केजी। सो अब बताओ यहाँ पर रिस्क फ्री प्रॉफिट कैसे होगा? हम लोग यहाँ से खरीद कर यहाँ बेच देंगे, डैट इज रिस्क फ्री। हम लोग पहले यहाँ पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद बाय कर लेंगे, और बाय और सेल जो है वो सिमल्टेनियसली कर लेंगे ताकि प्राइस चेंज ना हो, तो डैट इज रिस्क फ्री। रिस्क फ्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने अपने कोई भी हमने रिस्क नहीं ली। बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करने का रिस्क, परचेज करने के बाद ख़राब ना हो जाए, ख़राब नहीं हुआ, हमने मशीन में मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद फिनिश गुड्स तक वो बन के तैयार होगा या नहीं होगा वो भी एक रिस्क है। फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया, उसको मार्केट में बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, बेचने से पहले तो प्रोडक्ट खराब नहीं हो जाएगा, एक्सपायर नहीं हो जाएगा, वो भी एक रिस्क हो सकता है। और मार्केट में प्रोडक्ट बिक गया, बिकने के बाद भी रिस्क होता है कि पैसे भी मिलेंगे या नहीं, है ना। देर आर लॉट्स ऑफ रिस्क इन द मार्केट, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देर आर टू मार्केट्स, प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल एट चीपर रेट एंड प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल एट हायर रेट। तो हमें करना क्या है, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में सेल करना है, ठीक है, ऑन द सेम टाइम बेस। अगर मैं कहता हूँ कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, प्रोडक्ट तो यहीं पर अवेलेबल है, बट इसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ही कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही, तो क्या अब आर्बिट्राज हो सकता है? हम लोग बुकिंग यहाँ कर सकते हैं, बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं, नो डाउट। हम 6 महीने पहले एप्पल परचेज करके 6 महीने के बाद नहीं सेल कर सकते दूसरी मार्केट में, बट बाइंग हम एक मार्केट में कर सकते हैं, सेलिंग दूसरी मार्केट कर सकते हैं। हम बुकिंग यहाँ पर पहले से कर लें कि हम 100 रुपये में बाय करेंगे, और दूसरी मार्केट में हम लोग पहले से ही बुकिंग कर लें कि हम लोग 105 रुपये में सेल करेंगे आफ्टर 6 मंथ्स, तो भी ये आर्बिट्राज हुआ, राइट। सो यहाँ पर भी कोई रिस्क नहीं है, बस बुकिंग हमने जो है वो पहले कर दी है बिकॉज हमें प्राइस का पता पहले से ही चल गया था। सो आर्बिट्राज मीन्स रिस्क फ्री, जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो, आपको पता हो कि बाइंग रेट क्या है, आपको पता है कि सेलिंग रेट क्या है। बाइंग जो है वो भी रिस्क फ्री है और सेलिंग भी रिस्क फ्री है। इनफैक्ट अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा इन्वेस्ट आपने या तो अपनी जेब से किया होगा या तो उधार लेके किया होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर 6 महीने की बात करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ये 6 महीने के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपने लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किया है, लेट अस से लोन का रेट है 8%, 9%, 10%, वट एवर कुछ भी ले लो, तो हम इसको आर्बिट्रेज कब तक कहेंगे, जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जो लोन लिया हुआ है उसका जो 8% है वो आपका जो आर्बिट्रेज गेन होना चाहिए वो 8% से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उधार लेके पहले एक इन्वेस्टमेंट की, 6 महीने के बाद के कॉन्ट्रैक्ट की, और आपका जो ओवरऑल आपने रिटर्न निकाला वो 6% आया, जबकि लोन कितना लिया था 8%, तो ये तो आर्बिट्राज हुआ ही नहीं, राइट।
एवरी ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट हो वो आपके कवर होना चाहिए, उसके बाद ही आपके पास आपके जेब में कुछ बचना चाहिए, तभी इसको हम लोग आर्बिट्रेज कहेंगे। ये एप्पल का एग्जांपल है। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, मतलब जिस बारे में हम लोग एक्चुअल में बात कर रहे हैं, दैट देयर आर टू मार्केट्स, वन इज कैश मार्केट, वन इज कैश सेगमेंट, जो भी आप कह लो। और कैश सेगमेंट क्या होता है, पैसा दो और सामान लो, ठीक है। शेयर मार्केट जो होती है, स्टॉक मार्केट, वो क्या होती है, कैश मार्केट। आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आप प्राइस आइडेंटिफाई करो, प्राइस जो है वो लेटर से 2600 का है, तो आप 2600 पे करो T+2 में और आपके अकाउंट के अंदर डीमैट अकाउंट में एक शेयर क्रेडिट हो जाएगा, राइट। ये कौन से मार्केट है, दिस इज कैश मार्केट। और एक दूसरे मार्केट भी है, डैट इज़ फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कर सकते हो, बट उसका जो एक्चुअल में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, अगर मैं यूरोपियन स्टाइल की बात करूँ, यूरोपियन स्टाइल में बता चुके हैं, नहीं पता तो छोड़ो, इग्नोर करो, मतलब उसकी एक एक्सपायरी होती है, उसकी एक एक्सपायरी होती है। मैंने कहा इसकी एक्सपायरी मई है, मई मंथ, जब बोलते हैं मई मंथ, दिस मीन्स लास्ट थर्सडे ऑफ द मई, तो इसकी एक्सपायरी है लास्ट थर्सडे ऑफ द मई। तो ये कैश मार्केट है जिसमें कोई कैश, जिसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, बट यस, ये जो है, अगर आप इसकी एक्सपायरी की डेट देख रहे हो तो इसका भी इस डेट पर कुछ ना कोई प्राइस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये देखो, दो मार्केट हुई ना, अभी दो मार्केट हुई, एक कैश मार्केट और एक फ्यूचर मार्केट। अब जब दो मार्केट्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पर भी तो हम लोग आर्बिट्राज जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने कहा कैश मार्केट में प्राइस है 2600 रुपये का, और फ्यूचर मार्केट में जो प्राइस होता है, फ्यूचर मार्केट में जो रिलायंस कंपनी का प्राइस होगा मई कॉन्ट्रैक्ट का, लेटर से अभी अप्रैल चल रहा है और हम लोग मई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर प्राइस चल रहा है 2700, ऐसे कुछ भी ले लिया, राइट। ये 2700 का प्राइस चल रहा है, ये 2600 प्राइस चल रहा है। कैश मार्केट में तो या तो आप लॉन्ग पोजिशन बना सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, लॉन्ग मतलब बाय कर सकते हो शेयर, और कुछ नहीं कर सकते। बट फ्यूचर मार्केट में आप लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हो और आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हो। लॉन्ग मतलब आप फ्यूचर मार्केट में बाय करके सेल कर सकते हो, या फ्यूचर मार्केट में सेल करके बाद में भी बाय कर सकते हो, ठीक है ना। आप देखो किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट और लॉस कब कमाते हो, जब आप बाय भी करते हो और सेल भी करते हो, दोनों जब कंप्लीट होता है तो ही प्रॉफिट और लॉस होता है, अदरवाइज नहीं होता। आपने अगर वॉच का बिजनेस किया है तो वॉच पहले बाय करोगे या बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, आपका खर्चा होगा, उसके बाद आप सेल करोगे, उसके बाद आइडेंटिफाई होगा कि प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो ऐसे ही हमने कहा कैश मार्केट में जो प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है वो है 2600, फ्यूचर मार्केट में प्राइस एग्जिस्ट कर रहा है 2700। आप दोनों मार्केट के अंदर, कैश मार्केट में तो सिर्फ बाय कर सकते हो यानी कि लॉन्ग पोजिशन आ सकते हो, बट फ्यूचर मार्केट में आप लॉन्ग या शॉर्ट दोनों पोजिशन बना सकते हो, राइट। अब एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि एक्चुअल में आर्बिट्रेज गेन का कारण होता है, जो रीज़न होता है, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, अगर मैं यहाँ पर मई की बात कर रहा हूँ तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मई, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, प्राइस इन द कैश मार्केट, प्राइस इन द कैश मार्केट वट एवर, एंड प्राइस इन द फ्यूचर मार्केट विल ऑलवेज ऑलवेज बी सेम। That is the beauty of these two contracts. क्योंकि future contract के अंदर जब हम देखो, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ के अंदर मई कॉन्ट्रैक्ट की, तो नो डाउट फ्यूचर के प्राइस को हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऑन दिस डेट प्राइस क्या होगा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मई को प्राइस क्या होगा। बट जब लास्ट थर्सडे को आ ही गए तो प्रिडिक्शन के लिए कोई कुछ बचा नहीं है, तो जो मार्केट में कैश मार्केट का प्राइस होगा वही प्राइस हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस होगा, है ना। फ्यूचर के लिए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मान लो आप सीरियल देख रहे हो कोई, तो आज आप कल के सीरियल के लिए कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो, जब वो सीरियल ख़त्म हो जाएगा तो प्रेडिक्शन कहाँ बची, तब तो जो उसमें आना था वो आ गया। सो कैश मार्केट में भी ऐसा ही है, कैश मार्केट का जो प्राइस लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है वो फ्यूचर के लिए अब प्रेडिक्शन, मई के लिए अब उस डेट के लिए प्रेडिक्शन बचे नहीं है, तो जो कैश मार्केट प्राइस है वही फ्यूचर मार्केट का प्राइस एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा। अब यही रीज़न है जिस कारण से आर्बिट्रेज हो रहा है। क्या मतलब, देखो हमने कहा कि यहाँ पर हम कैश मार्केट में हम 2600 का प्राइस देख रहे हैं, हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं यानी कि एक लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं। और यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में 2700 का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है।
हमने दो मार्केट के बारे में बात की, एक कैश मार्केट और एक फ्यूचर मार्केट। कैश मार्केट में हमने देखा प्राइस 2600 का है एंड फ्यूचर मार्केट में देखा प्राइस जो है 2700 का है। हमने 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 कैश मार्केट में प्राइस 2600 का होने पर क्या कर लिया, एक बाय पोजिशन बना ली, और हमने यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एक शॉर्ट पोजिशन बना ली। शॉर्ट पोजिशन मतलब हमने सेल कर दिया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए हम आगे जाकर बाय करेंगे, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए आगे जाकर ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी हमें बाय करना कंपलसरी होगा। हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेल करके बाद में बाय कर सकते हैं। ये हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो में जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें हमने आपके साथ अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। अब ये पोजिशन बना ली है, दो चीज़ें हो गई हैं। हमने जो है यहाँ पर बाय किया है और यहाँ पर हमने सेल किया है, ठीक है। अब ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, अब आगे वाली डेट पर जब एक्सपायरी डेट आएगा, जब एक्चुअल में एक्सपायरी डेट आएगी, तो यहाँ पर प्राइस 2800 का हो जाएगा और यहाँ पर भी प्राइस 2800 का हो जाएगा। तो अपनी पुरानी पोजिशन को हम लोग स्क्वेयर ऑफ करेंगे, ठीक है। कैश मार्केट में हमने क्या किया था, बाय, और बाय करने के बाद अब हम जो है इसको 2800 में सेल करेंगे, और यहाँ पर हमने सेल किया था तो यहाँ पर अब हमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बाय करेंगे, राइट। तो हमने इस तरह से अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दिया है, राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा, कैश सेगमेंट बाय एट द रेट ऑफ 2600 एंड ऑन एक्सपायरी डेट पर मतलब लास्ट थर्सडे ऑफ द मई में हमने यहाँ पर सेल किया, सेल एट द रेट ऑफ 2800, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमने यहाँ पर सेल की पोजीशन बना ली, हमने यहाँ पर सेल की पोजीशन बना ली किस रेट में, 2700 में, और ऑन एक्सपायरी हमने क्या किया, इसको बाय किया, बाय किस रेट से किया, 2800 से। अब आप नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल लो, प्रॉफिट और लॉस निकाल लो एक शेयर के लिए, 2600 में बाय किया, 2800 में बेचा, तो ये 200 का प्रॉफिट, ठीक है। और हमने 2700 का बेसिकली सेल किया और 2800 का बेचा, सॉरी हमने 2700 का बेचा और 2800 का बाय किया, तो लॉस हुआ नो डाउट। तो लॉस जो है वो कितने का हुआ, 100 रुपये का, बट हमें तो नेट से मतलब है, ओवरऑल से मतलब है, तो नेट हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। पर आपको ये लग रहा होगा, ये तब है जब ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी प्राइस इंक्रीज हो गया है ना, ऐसा लग रहा होगा जब प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। सर नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी ले लो, अगर ये प्राइस कुछ भी ले, 2800 पहले लिया था ना, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैंने चेंज किया, मैंने कहा सपोज करो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, छोटे से छोटा नंबर ले लो 2400, राइट। पर 2400 का यहाँ पर लोगे तो यहाँ भी प्राइस कितने का होगा, 2400, राइट। अब दोनों जगह पर 2400 ले लिया। अब देखो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, यू विल सी दिस, दिस इज़ द सेकेंड केस। सेकेंड केस इज दैट ऑन एक्सपायरी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 2400। तो यहाँ पर फिर से कैश सेगमेंट में देखो, कैश सेगमेंट में बाय किया हमने एट द रेट ऑफ 2600 और ऑन एक्सपायरी हमने सेल किया एट द रेट ऑफ 2400, राइट। प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर में हमने यहाँ पर सेल किया था एट द रेट ऑफ 2700 और ऑन एक्सपायरी बाय किया है एट द रेट ऑफ 2400। प्रॉफिट और लॉस निकालो, पहले बाय किया 2600 में, सेल किया 2400 में, नो डाउट 200 रुपये का लॉस हो गया, लॉस माइनस। और यहाँ पर हमने 2700 का बेचा, 2400 का बाय किया, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया जी 300 रुपये का, तो अभी भी ओवरऑल 100 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेके देखना ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, आप अपनी कैलकुलेशन करना, कुछ भी प्राइस लेना, 2000 लेके देखना, 1500 लेके देखना, 100 रुपये लेके देखना, 3000 लेके देखना, वट एवर, यू विल सी कि आपके पास ये जो डिफरेंस है वो 100 रुपये का बच ही रहा है। एंड दिस इज वट आर्बिट्राज, जो प्रॉफिट होना ही होना है, तय है। और अगर मैं मोटा मोटा आपसे बोलूं कि एक्चुअल में ये हो, जादू हो कैसे रहा है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कैसे, आपने जो है दो बार बाय किया, दो बार सेल किया, यही किया ना आपने, दो बार बाय किया, दो बार सेल किया, और ध्यान से देखो
यहाँ पर जो सेल कर रहे हो जिस रेट में, उसी रेट से आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय भी कर रहे हो। आप कैश मार्केट में अगर सेल कर रहे हो तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय भी कर रहे हो, और इन दोनों का रेट सेम है। 2800 का यहाँ पर रेट है तो यहाँ पर भी 2800 का, यहाँ पर 2400 का रेट है तो यहाँ पर भी 2400 का है। तो एक्चुअल में ये ट्रांजेक्शन और ये ट्रांजेक्शन आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देती है, ख़त्म कर देती है, और एक्चुअल में जो इफेक्ट बचता है वो सिर्फ सिर्फ इन दोनों का बचता है। और इन दोनों का क्या इफेक्ट बचता है कि कैश मार्केट में 2600 का बाय किया और हमने फ्यूचर मार्केट में 2700 का बेचा, 100 रुपये का प्रॉफिट है। आगे जाके तो स्क्वेयर ऑफ ही करना है, और जो स्क्वेयर ऑफ करना है उसका रेट जो है वो दोनों मार्केट में सेम होने वाला है। अब क्योंकि दोनों मार्केट में रेट सेम होने वाला है, एक जगह सेल करके स्क्वेयर ऑफ करना है, एक जगह बाय करके स्क्वेयर ऑफ करना है, रेट तो सेम ही है, तो वो दोनों ट्रांजेक्शन कट जाएंगे और हमें जो नेट इफेक्ट मिलेगा वो इन दोनों ट्रांजेक्शन का मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस। इज नॉट आई एम नॉट सेइंग कि मैंने आपको पूरा आर्बिट्रेज समझा दिया, बट मैं आपको कंक्लूजन बताया कि ये आर्बिट्रेज गेन अराइज कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से होगा। ठीक है, सो हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है जो भी आपको समझाया। अब इसको मैं रूल वाइज समझाऊँ, अगर मैं बोलूँ कि रूल समझाओ, देखो यहाँ पर 100 रुपये का आर्बिट्रेज हमने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये 100 रुपये का प्रॉफिट, इज द प्रॉफिट ऑफ ₹100 इज एनफ टू गेन इन दिस ट्रांजेक्शन। इज एनफ मतलब कि सपोज करो ये जो 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है लेट अस से 10,000 रुपये की, और प्रॉफिट आ रहा है लेट अस से 100 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज रिटर्न हम निकाल लेते हैं, तो परसेंट रिटर्न आपको निकालना कैलकुलेट करना आता है, तो यू आर आइडेंटिफाइंग दिस एंड दिस इज 1%। ठीक है, और ये 1% जो प्रॉफिट है वो कितने टाइम के लिए है, जस्ट 1 मंथ के लिए। अप्रैल से मई में तो गए हो आप, राइट? तो 1% 1 मंथ के लिए 1% इज गुड एनफ, इट्स गुड, राइट? बट मैं आपको कहता हूँ नहीं 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 नहीं, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये 10,000 नहीं, ये 50,000 है, 50,000 प्रॉफिट। सो आप 50,000 रुपये लगा के अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आपके जो रिटर्न है, आप कैलकुलेट कर लो, 100 डिवाइडेड बाय 50,000, इट्स 0.02%। इज इट गुड एनफ? नो। सो ये हमें प्रॉफिट तो अराइज हो रहा है, दैट इज फाइन, दैट इज गुड, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट एनफ? तो हमें इसको पहले से चेक कर लेना होगा, किससे? इंटरेस्ट कॉस्ट से, कि हमने जो खर्चा किया है, मतलब आपके पास कैश सेगमेंट में जो जो खर्चा हो रहा है, मैं आपको पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कैश सेगमेंट में जब आप शेयर बाय करते हो, जैसे कि आपको मालूम है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर 2700 रुपये का शेयर सेल करोगे तो आप एक शेयर के लिए तो सेल करोगे नहीं, इसका लॉट साइज देखना पड़ेगा। अगर लॉट साइज 250 शेयर का है तो यू हैव टू सेल 250 शेयर्स, और 250 शेयर यहाँ पर सेल करोगे तो बाय भी कितने शेयर करोगे, 250 शेयर, तभी तो वो यूनिफॉर्मिटी बनेगी, तभी तो प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो अगर आप 250 शेयर 2700 के हिसाब से परचेज करते हो तो यू हैव टू स्पेंड 6,75,000 इन द कैश मार्केट। यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी, इन्वेस्टमेंट इन कैश मार्केट इज 6,75,000। तो ये पैसा या तो आपके जेब में होना चाहिए और या फिर आपने लोन लिया होना चाहिए। अगर आपने लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट कॉस्ट दिया कर रहे होगे, तो यू हैव टू सी कि वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इंटरेस्ट कॉस्ट वेल अनफ इस आर्बिट्रेज गेन के प्रॉफिट से आप अर्न कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नंबर वन, आर यू गेटिंग दिस? ये तब जब आपने लोन लिया है, मान लो लोन नहीं लिया, आपके पास ऑलरेडी आपकी जेब में पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपकी जेब में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है तो आप अगर आपके जेब में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है तो सर ऐसा तो नहीं है कि आपके जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है वो बिल्कुल बेकार है, आपने उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर इन्वेस्ट किया होगा, आपने उसको बैंक की FD में ही डाल दिया होगा। बैंक की FD में अगर डाल दिया होगा तो बैंक की FD से भी 6% 7% का ब्याज आता है, और अगर आप उस पैसे को यहाँ पर लगा दोगे तो वो 6-7% का जो ब्याज है वो 6-7% का ब्याज आपको नहीं आएगा। तो जो ये 6-7% का आपको ब्याज नहीं आएगा वो भी तो आपका लॉस है, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप अगर खराब कर रहे हो अपनी, तो यू हैव टू अर्न दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेयर
यहां पर. आर यू गेटिंग दिस? जस्ट फॉर मिनट. आप उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहां से अर्न करना चाहोगे. तो चाहे तो आपने लोन लिया हो या फिर आपने अपना पैसा लगाया हो, तो एटलीस्ट आपको एक मिनिमम परसेंटेज रिटर्न आपको अराइज होनी चाहिए. मान लो आपके अपने पैसे से आप 7% कमा लेते हो, अगर ये जो आपके रिटर्न है वो 5% कमा के देता है, तो आप इसमें जाओगे क्यों? आप जहां से 7% कमा रहे थे वहां नहीं जाओगे. सो व्हाट वी मीन टू से, वी ऑल्सो हैव टू चेक कि ये जो प्रॉफिट अराइज हो रहा है इज इट गुड एनफ और नॉट, राइट? तो आपको जो है ये अपॉर्चुनिटीज का पता होना चाहिए. तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो हमारी कैश मार्केट की कॉस्ट है वो सारी की सारी कॉस्ट हम लोग जो है वो अर्न कर पाएं. इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. वी हैव सम स्टेप्स, दैट इज स्टेप्स फॉर आर्बिट्राज गेम. एंड द स्टेप्स आर, स्टेप नंबर वन, फाइंड फेयर वैल्यू और थियोरिटिकल वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू. सबसे पहले आपको जो है ये फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. फेयर वैल्यू मतलब कि कैश मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको अपनी जेब से इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ रही है. उसके अलावा अगर आपके शेयर्स को डीमैट अकाउंट में रखने की अगर कोई खर्चा है, कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट भी आप कंसिडर करो. हाँ, अगर कोई इनकम मिलेगी आपको उस इनकम को यहाँ से हटा दो. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम इंट्रेंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा एक्चुअल में कैश मार्केट में हमारे जेब से क्या लगने वाला है, राइट? तो उसके लिए हमने कहा सीएमपी बोले तो कैश मार्केट प्राइस और करंट मार्केट प्राइस. ठीक है, कैश मार्केट प्राइस और करंट मार्केट प्राइस प्लस इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट. उसके बाद अगर कोई आपके पास कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट डू मीन बाय दिस कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट मीन्स कि अगर आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में जो पड़े हुए हैं उस डीमैट अकाउंट का कोई खर्चा आ रहा है, हालांकि जनरली नहीं आता, आई नो दिस, बट हम इसी कॉन्सेप्ट को जो है कमोडिटी मार्केट में भी यूज़ करेंगे, राइट? वहाँ पर खर्चा आ सकता है. अगर आप कैश में पोटैटोज़ परचेज करें कैश में, तो उसको सामान लेके आओगे तो उसको डीमैट अकाउंट में तो नहीं रखोगे ना. कैश मार्केट में अगर सामान लेके आओगे तो आप उसको डीमैट अकाउंट में नहीं रख सकते, आपको उसके लिए प्रॉपर गोडाउन चाहिए, है ना? तो उसके अगर कोई कॉस्ट आ रही है तो वो कॉस्ट आपको यहाँ पर ऐड करना होगा. ठीक है, ये आपका खर्चा है. और इसके अलावा कैश मार्केट से अगर कोई इनकम जनरेट होती है, हमारी कैश मार्केट से एक इनकम जनरेट होती है, डैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड. तो अगर आप खर्चे निकाल रहे हो, ये सारे खर्चे हैं, तो डिविडेंड यानी कि इनकम को आप यहाँ से माइनस करोगे, हटाओगे. तो हम इस तरह से इन सब की कैलकुलेशन करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले कि हमारी कैश मार्केट में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है. कैश मार्केट में जब कॉस्ट आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उसके बाद हम ये जो आइडेंटिफिकेशन होके नंबर आएगा, इसको हमने फेयर वैल्यू कह दिया, थ्योरेटिकल वैल्यू कह दिया या इंट्रेंसिक वैल्यू कह दिया, कुछ भी नाम दे दिया, इसको हम लोग आगे जाके कंपेयर करेंगे सच वैल्यू विद द एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कमोडिटी, जो भी आप कैलकुलेशन करो, राइट? तो इसके बाद हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर जब करेंगे तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन हो कि अगर फ्यूचर प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा है, हाई है, अगर फ्यूचर प्राइस जो है वो फेयर प्राइस से ज़्यादा है, हाई है, तो हम कहेंगे यस, आर्बिट्राज गेन इज पॉसिबल. In this way, we will say that arbitrage is possible. और ये arbitrage possible होगा तो कैसे होगा, इसके लिए हम कहेंगे that, बड़ा सिंपल सा मैं याद करने के लिए बता दूँ कि फ्यूचर प्राइस जो है वो महंगा है और फेयर वैल्यू जो है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, कैश मार्केट से. तो अगर फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है तो जो महंगी चीज़ होगी उसको क्या करोगे, प्रॉफिट कमाने के लिए बेचोगे. जिस मार्केट में महंगा बिक रहा होगा वहाँ पर क्या करोगे, सेल आउट करोगे. जहाँ पर सस्ता मिल रहा होगा वहाँ से क्या करोगे, बाय करोगे. तो यहाँ पर महंगा जो है वो फ्यूचर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दैट बाय इन कैश मार्केट, क्योंकि वहाँ पर सस्ता है सामान, एंड सेल इन फ्यूचर. इसी को हम कैश एंड कैरी आर्बिट्राज भी बोलते हैं.
हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैश में स्टॉक में लेके चल रहे हैं और फ्यूचर में बेच रहे हैं, राइट। इसको बोलते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। तो ये तब है जब फ्यूचर प्राइस जो है वो कैश मार्केट से हायर हो। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये हमें एक वेबसाइट है, दैट इज़ moneycontrol.com। यू कैन हैव दिस वेबसाइट इन योर लैपटॉप कंप्यूटर्स ऑल्सो। आप moneycontrol.com पे जाना, उसमें मार्केट में जाना, और मार्केट में जाने के बाद एक F&O में जाना, F&O सेगमेंट में जाना। F&O सेगमेंट में जाके आप जब नीचे की तरफ आओगे तो लाइव मार्केट में ये आपको बता देगा कि आपके जो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। यू कैन सी दिस। सो पेज इंडस्ट्रीज, नेस्ले, आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर प्राइस 46067.05, दिस इज़ अ फ्यूचर प्राइस, एंड कैश सेगमेंट प्राइस 45872। तो डिफरेंस राइज हो गया, डिफरेंस कितना राइज हो गया, 194। तो यू कैन अर्न हेयर 194 फॉर वन शेयर, फॉर वन लॉट मल्टीप्लाई बाय। ऐसे ही नेस्ले इंडिया शेयर, देखो ये अभी आप कैलकुलेट करोगे, ये आगे ये ओपन हो नहीं रहा है, मैंने ट्राई किया था अभी थोड़ी देर पहले। सो आप इसको जब परसेंटेज में ट्राई करोगे ना, यू विल फाइंड आउट दैट परसेंटेज रिटर्न इज़ वेरी 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 लो। इट्स अराउंड 0.6%, 0.7%, 0.9%, लाइक दिस, राइट, विच इज़ वेरी लो। कभी कभी लाइव मार्केट में इनका जो डिफरेंस है वो आपको 1%, 1.5%, 2% भी रिटर्न दे देता है। तो जैसे ही आप देखो कि हाँ यार ये तो बड़ा डिफरेंस अराइज हो गया है, तो यू कैन गो फॉर द आर्बिट्राज। नो डाउट आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, 7 लाख 8 लाख रुपया, फॉर द पर्पज ऑफ द कैश में बाय करोगे ना, 6 लाख 7 लाख का तो कैश मार्केट में बाय करना पड़ेगा एक लॉट के हिसाब से, और आपको फ्यूचर मार्केट के अंदर सेल भी करना होगा, उसके लिए भी मार्जिन चाहिए होगा। तो 7 लाख 8 लाख के आसपास आपको जो है मार्जिन मनी चाहिए होती है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट। इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 2%, इट्स गुड वन। आर यू गेटिंग दिस? सो वट वी मीन दैट आर्बिट्राज। अच्छा, एक क्वेश्चन मन में आता है, सर ये डिफरेंस अगर 2% प्रॉफिट है तो सब लोग जो है वो प्रॉफिट कमाएंगे, ये तो बड़ा आसान है, तो सब लोग कर ही लेंगे, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी क्या हमेशा हमेशा राइज होती है? सर नहीं, हमेशा राइज नहीं होती। देखो कैश मार्केट अपनी अपनी दुनिया में चलता है, कैश मार्केट जो है अपनी दुनिया में चलता है, कैश मार्केट में ही अपने आप ही डिमांड एंड सप्लाई होती है, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कैश मार्केट का प्राइस जनरेट करती है, और फ्यूचर मार्केट भी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस चलता है, तो वहाँ पर भी बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई जो है वो प्राइस जनरेट करती है। तो बहुत बहुत रेयर केसेस में जो है फ्यूचर प्राइस और कैश मार्केट का जो प्राइस है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हो तो आर्बिट्राज मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल है तो ज़्यादा लोग सेल करने लगेंगे, और कैश मार्केट में जो है ज़्यादा लोग बाय करने लगेंगे, तो अपने आप से ये ऑटोमेटिकली आर्बिट्राज ख़त्म होता रहेगा। यू हैव टू सी दैट कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हाईएस्ट वाली जब है, कब अवेलेबल है, उस समय आप जो है मार्केट में एंटर करें, राइट। सो क्यों अराइज होता है आर्बिट्राज? बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई गैप। कैश मार्केट हैज़ अ डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई, फ्यूचर मार्केट हैज़ अ डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई, तो उनके बीच में जो प्राइस डिफरेंस अराइज होता है उस कारण से ये आर्बिट्राज अराइज होता है, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट मतलब कि जब फ्यूचर प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से कम हो, तो क्या इस केस में भी आर्बिट्राज अराइज हो सकता है? आर यू गेटिंग दिस? फ्यूचर प्राइस इज लेस देन कैश मार्केट। मतलब अभी हम जो एग्जांपल कर रहे थे उस एग्जांपल में अभी हमने पहले तो ये किया था कि कैश मार्केट में प्राइस था 2600 और फ्यूचर में था 2700। उल्टा उल्टा होता तो यहाँ पर 2700 और यहाँ पर 2600, तो क्या अब आर्बिट्राज पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट एक्चुअल में मतलब बहुत कम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। रीज़न बता देता हूँ पॉसिबल कैसे है आपको समझाने के लिए, कि अब हम यहाँ पर सेल करेंगे, ज़्यादा रेट वाले को क्या करना है, सेल, और कम रेट वाले को क्या करना है, बाय। फ्यूचर मार्केट में आप बाय कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो, यस कर सकते हो, बट क्या कैश मार्केट में आप सेल कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब जब नहीं कर सकते हो फिर आर्बिट्राज कैसे होगा? ये आर्बिट्राज अराइज होगा, हो सकता है, अगर आपने ऑलरेडी पहले आपके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी रिलायंस का शेयर रखा हुआ है,
आपके पास ऑलरेडी रिलायंस कंपनी का शेयर रखा हुआ है, आपने डीमैट में अगर रखा हुआ है तो कैश मार्केट में अब अपने इस शेयर को आप बेच दो, सेल कर दो, और ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी अब अभी बेचा है तो बाद में क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आर्बिट्रेज हो तो सकता है, बट इसके लिए आपके डीमैट अकाउंट में पहले शेयर होना चाहिए, उसके बाद ये पॉसिबल है। डिटेल में सीखेंगे, एग्जांपल के साथ सीखेंगे, नो डाउट, बट हल्का सा आपको एक आइडिया लग रहा है। आर्बिट्रेज इज पॉसिबल इन दिस केस ऑल्सो इफ यू हैव अ शेयर इन योर डीमैट अकाउंट। अगर आपके शेयर आपके पास डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर है तो यहाँ पर भी आर्बिट्रेज पॉसिबल है, राइट। तो इसका जो मेथड है वो क्या है, इसका मेथड ये है दैट यहाँ पर भी हम लिखेंगे दैट इट्स पॉसिबल, आर्बिट्रेज इज पॉसिबल क्या करना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो महंगा है उसे बेचो, जो सस्ता है उसे खरीदो। तो महंगा जो है वो क्या है, फेयर प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू। सो महंगा क्या है, फेयर वैल्यू यानी कि कैश सेगमेंट, फेयर वैल्यू जैसे जो है वो कहाँ से आया हुआ है, कैश सेगमेंट से, और जो सस्ता है वो क्या है, दिस इज फ्यूचर वैल्यू। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल इन कैश मार्केट एंड बाय इन फ्यूचर मार्केट, राइट। सो दिस वे, इन दिस वे यू विल हैव द प्रॉफिट्स, यू विल हैव द आर्बिट्राज गेन, ठीक है। सो इन सभी को हम लोग पहले आपके साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि एक्चुअल में चीज़ें समझ में आए, राइट। सो हम लोग सीख रहे हैं एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ऑफ योर बुक, एंड क्वेश्चन इज, यस दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th ऑफ योर बुक, राइट। क्वेश्चन नंबर 13th ऑफ द बुक आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। एंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू DCB लिमिटेड शेयर प्राइस, राइट। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, जो बोलता है करंट प्राइस पर शेयर, तो ये करंट प्राइस पर शेयर कौन सी मार्केट का प्राइस है, कैश मार्केट का। तो ये जो प्राइस है वो क्या है, कैश मार्केट का प्राइस। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹170, ठीक है। विच सेगमेंट, दिस इज द कैश मार्केट, दिस इज कैश मार्केट। एंड देन प्राइस पर शेयर इन द फ्यूचर मार्केट, प्राइस पर शेयर इन फ्यूचर इज ₹190, ओके। एंड क्वेश्चन सेज इट इज पॉसिबल टू बोरो मनी इन द मार्केट फॉर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। तो हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के लिए 12% के हिसाब से ब्याज कर लेते हैं, राइट। सो इंटरेस्ट इज, यू कैन हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम आवर बुक, इट्स 2.12 पेज नंबर, हाँ जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। तो अगर ये 12% पर एनम का रेट है, इसका मतलब है कि अगर आप कैश मार्केट में ये बाय करोगे तो भैया 12% का आपका रिटर्न आपको मिलना चाहिए, इनफैक्ट 12% से ज़्यादा मिलना चाहिए। 12% नहीं मिल रहा है तो फिर बेकार है, 12% का रिटर्न आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ 6 months फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ 6 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ये जो प्राइस होगा वो क्या होगा। एक्सप्लेन इफ एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। तो आप उसके बाद आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को एग्जिस्ट कर है या नहीं ये बताएं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आप थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस आइडेंटिफाई करें, तो वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम प्राइस। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने आपको कहा जो भी कैश मार्केट का प्राइस है, आपका थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस
वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? थ्रू द कैश मार्केट। और वो कैसे होगा? जो भी कैश मार्केट का प्राइस है उसमें जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ऐड कर दो, कैरिंग कॉस्ट अगर है तो ऐड कर दो, डिविडेंड है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये सब हम एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसी को आगे सीखते जाएंगे। बट फिलहाल हमने, हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक तो कैश मार्केट का प्राइस है और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक न्यूमेरिकल मतलब सिंपल मेथड से करा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। सो थियोरिटिकल मिनिमम प्राइस हम लोग पहले कैसे करते थे? हम लोग ऐसे करते थे दैट करंट मार्केट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जब प्लस करते हैं तो दो मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, मतलब पी इंटू आर इंटू टी इंटू हंड्रेड। एक होता है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग में क्या करते हैं हम लोग? पी इंटू वन प्लस आर पावर टी करते हैं, राइट? हियर वी आर यूजिंग कंपाउंडिंग, तो हम लोग कंपाउंडिंग यूज़ करके करते हैं। सो कैश मार्केट का प्राइस जो है वो है हम एक शेयर के लिए 170 रुपीज़, और प्लस इंटरेस्ट करना है, इट विल बी इंटू वन प्लस आर पावर टी। तो ये टाइम वैल्यू मनी के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि ये वन प्लस आर पावर टी क्यों किया है। आर इज 12% और हमें एक साल नहीं बल्कि 6 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। 6 महीने का समय है ना यहाँ पर, एक साल की बात नहीं हो रही है, दिस इज़ फॉर 6 मंथ्स। मुझे कैसे मालूम चल गया 6 मंथ्स की बात हो रही है? क्वेश्चन में बताया हुआ है थ्योरी का मिनिमम प्राइस ऑफ 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट। वैसे भी फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर 6 महीने का है, तो 6 महीने का अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो कैश मार्केट का प्राइस भी आप 6 महीने के हिसाब से ही एडजस्ट करोगे। आर यू गेटिंग दिस? देखो ये जो ट्रांजेक्शन आप स्क्वेयर ऑफ करोगे वो एक्सपायरी के लिए करोगे। अब एक्सपायरी में 6 महीने बचे हुए हैं, एक्सपायरी में 6 महीने बचे हुए हैं, तो आप जो बाय करके सेल आगे कर रहे हो वो भी 6 महीने के बाद कंप्लीट कर लोगे। तो आपका कैश मार्केट में जब पैसा इन्वेस्टेड होगा तो वो कितने समय के लिए ब्लॉक होगा? 6 महीने के लिए। तो ब्याज भी आपको 6 महीने के लिए ही कैलकुलेट करना है। सो दिस इज डिवाइड बाय 2 और पावर 1 हाफ, 1/2 ईयर, 170 इंटू इट्स 1.06 मल्टीप्लाई बाय 170, इट्स 180.2। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेट मैं आपको नहीं करना सिखाऊंगा, कैलकुलेटर पर आप इजीली कर सकते हो। दिस इज द थ्योरी का मिनिमम प्राइस, और यू कैन से दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यू है ये कैश मार्केट को एडजस्ट करके आइडेंटिफाई की गई है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द कैश प्राइस। और ये तो कैश, और उसके बाद अगर 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 फ्यूचर प्राइस की बात करें ऑफ अ 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, साफ साफ गिवन है दैट दिस इज 190, इट्स 190। तो अब आप क्या कहते हो, आर्बिट्राज इज पॉसिबल और नॉट? यस, आर्बिट्राज इज पॉसिबल। 12% का ब्याज हटाने के बाद भी आपको प्रॉफिट होगा। 12% ब्याज जो है आपने जो गिवन था वो तो हम ऑलरेडी इसमें एडजस्ट कर चुके हैं, उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं, तो यानी कि उसके बाद भी अगर हमें कुछ मिल जाएगा तो मींस वी आर अर्निंग मोर देन 12%। आर्बिट्राज इज पॉसिबल। और आर्बिट्राज के लिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख सकते हैं सिंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज मोर देन फेयर प्राइस ऑफ आर्बिट्राज इज पॉसिबल, इसलिए मैंने कहा आर्बिट्राज। अच्छा, आर्बिट्राज पॉसिबल है तो हाउ, कैसे? वी विल, हम क्या करेंगे, बाय इन कैश मार्केट। फेयर वैल्यू जो थी, जो ये फेयर वैल्यू है ये कहाँ से आई है? कैश मार्केट से। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग फेयर वैल्यू को यहाँ पर ये था कैश सेगमेंट से, तो ये वाले पॉइंट से हम लोग इसको बाय करेंगे, और जो महंगा वाला प्राइस है वहाँ पर हम लोग इसको सेल करेंगे। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, आपको सस्ते वाले रेट से बाय करना है, महंगे वाले रेट से सेल करना है। Buy in cash market and sell in future contract. But उससे पहले कैश मार्केट में बाय करने के लिए आपके पास, चलो बाय कितना करना है,
बाय इन कैश मार्केट। सो आप जो है वो बाय करोगे किस रेट में, 170 में, ठीक है। बट 170 रुपीज़ में बाय करने के लिए आपके पास 170 रुपीज़ होना भी तो चाहिए, तो 170 कहाँ से आएगा? वी विल एज्यूम दैट वी आर टेकिंग अ लोन फॉर दिस, राइट। लेट अस एज्यूम वी आर टेकिंग अ लोन ऑफ 170 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। और मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ लोन 6 महीने के बाद, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन 6 महीने की है, लोन भी आपका 6 महीने का है। आफ्टर 6 मंथ्स मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द लोन विल बी 170 × 1 + 0.012 / 2 / 1। तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी दैट विल बी 180.20, ठीक है। ये तो हो गया पहला, मतलब हमें एक तो बाय करना है और दूसरा क्या करना है, मेक अ शॉर्ट पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 190। हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो ऑलरेडी है 190, तो 190 पर हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। आपको याद होगा हमने आपको सीखा था लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में आई थिंक जो भी है, कि अगर शॉर्ट पोजीशन अगर आपने बनाई है और प्राइजेस अप जाते हैं तो लॉस होता है, प्राइजेस डाउन जाते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं और एक कैश सेक्ट, मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम एक अपनी पोजीशन बैलेंस शीट फॉर्म करें तीनों चीज़ों के लिए, तो आपके पास एक तो शेयर है, 1 शेयर जिसको आपने कितने में ख़रीदा था, 170 में। आपके पास एक शॉर्ट पोजीशन है, ये आपकी असेट भी हो सकती है, लाइबिलिटी भी हो सकती है, पर आपके पास एक शॉर्ट पोजीशन है 190 रुपये वाली। और इसके अलावा आपकी एक लाइबिलिटी कन्फर्म है, वो है लोन की, लोन एट द रेट ऑफ 12% जो आपने लिया था, और आपको 180.20 रुपीज़ आपको रीपे करना है फॉर श्योर। सो दीज थ्री थिंग्स आर देयर इन योर पोजिशन, ठीक है। अब एक्सपायरी पर क्या होगा, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, तो ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी पर होगा क्या, या तो प्राइस कम चला जाएगा, या थोड़ा कम, या बिल्कुल बराबर आ जाएगा, या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। बहुत सारे केसेस ले लिए मैंने, 5 केसेस ले लिए, 5 केसेस आर सफिशिएंट। लाइक कैश मार्केट का प्राइस है 170 से नीचे चला गया मैं 150 का प्राइस हो सकता है, 190 का हो सकता है, 210 का हो सकता है, 250 का, तो सारे ऑलमोस्ट केसेस हमने कवर कर लिए हैं, कुछ भी आप लेकर देख लेना, राइट। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि मैंने ये लिया तो आपको भी ये लेना, आप कुछ भी ले सकते हो, 250 से 240 भी ले सकते हो, 260 भी ले सकते हो, 210 की जगह 200 भी ले सकते हो, वट एवर। अब जो हमारी पोजीशन थी ना, उस पोजीशन को अब हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, लोन जो था रिपे करेंगे, कैश पोजीशन में हमारे पास जो शेयर था उसको बेच देंगे। हम यहाँ पर एक शेयर के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में जो वर्किंग होती है वो लॉट साइज़ के लिए होती है, लॉट साइज़ अगर 250 शेयर का है तो मल्टीप्लाई बाय 250 होता रहेगा और कुछ नहीं। और शॉर्ट पोजीशन जो है उसको भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, शॉर्ट पोजीशन मतलब हमने पहले सेल किया था, अब हमें बाय करना होगा, तो इसको हम लोग यही सब करने जा रहे हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश पोजीशन वाली, कैश से सेल इन कैश सेगमेंट, कैश सेगमेंट में सेल कर दो। सो आपको 150 रुपये रिसीव होंगे, यहाँ 170 रुपये रिसीव होंगे, 190 रुपये रिसीव होंगे, यहाँ 210 होंगे, यहाँ 250 होंगे, यही होगा ना। आप अगर कैश शेयर, मतलब जो शेयर आपके पास है अगर उसको बेच दोगे तो जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो पैसा आपको मिल जाएगा कैश सेगमेंट में, दैट्स इट। आपने पहले बाय किया था कैश सेगमेंट में, अब आपने बेच दिया तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अच्छा, अब जो आपने पोजीशन क्रिएट की थी, कौन सी पोजीशन, 190 वाली, उसको स्क्वायर ऑफ करना है, पहले सेल किया था 190 में, अब यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने कहा दैट स्क्वायर ऑफ ऑफ शॉर्ट पोजीशन
स्क्वायर ऑफ लास्ट टाइम बताया था, पहले जो भी किया था उसका रिवर्स ऑफ शॉर्ट पोजिशन। सो 190 का शॉर्ट किया था, अब 150 हो गया, प्राइस नीचे चला गया। और शॉर्ट पोजिशन में अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो प्रॉफिट होता है। डिफरेंस 190 और 150 डिफरेंस इज 40 रुपीज़। 190 और 170 20 रुपये का प्रॉफिट, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस। 90 का सेल किया था, 210 का प्राइस हो गया, मतलब प्राइस जो है वो बढ़ गया तो लॉस हो गया, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, 20 रुपये का लॉस। 250 का शेयर चला गया, 190 में बेचा था, अब हमें 250 में बाय करना पड़ेगा। आपने आपने जो है पहले आपने 190 में कैलकुलेटर बेच दिया था, आपके पास था नहीं कैलकुलेटर। अब जब प्राइस 250 हो जाएगा तो आप दूसरी दुकान वाले से 250 का कैलकुलेटर खरीद के उसको अब बाय करके जो है वो अपने इस पोजीशन को ख़त्म करोगे। तो यहाँ पर आपने 190 का बेचा था, 250 का आपको ख़रीदना पड़ा, तो आपका लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 60 रुपीज़ का, ठीक है। इसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, वैसे तो आप इनको अगर नेट नेट करोगे ना, यू विल सी अ मैजिक ऑफ दिस, आपके पास हर सिचुएशन में 190 रुपये अभी भी हैं। कैश सेगमेंट और लॉन्ग कैश सेगमेंट और शॉर्ट पोजिशन ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अगर स्क्वायर ऑफ करके कंप्लीट करोगे, 190 रुपीज़ यू हैव इन योर पॉकेट इन ईच एंड एवरी केस। और उसके बाद जो लोन लिया है आपने, उस लोन की रिपेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट। 170 का लोन लिया था, इंटरेस्ट के साथ 180 रुपीज़ पे करना है, रिपेमेंट करो, रिपेमेंट ऑफ द लोन। कैश रिमेनिंग, अभी भी कैश बचा है, डेट इज 9.80। और ये 9 रुपये 80 पैसे किसके हैं? आपके, आपने जो इतनी मेहनत किया है। एंड वाई दिस रिस्कलेस, ये होना ही है, शेयर प्राइस कुछ भी चला जाए 9 रुपये 80 पैसे आपको मिलने ही हैं, तय है। क्योंकि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस आपने एज्यूम किया है, ये प्राइस कैश सेगमेंट का भी प्राइस है ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, और यही प्राइस फ्यूचर सेगमेंट का भी प्राइस है ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, राइट। तो इसको अगर मैं फिर से अपने वो बेसिक रूल में अगर कन्वर्ट करूँ कि आपके पास एक कैश मार्केट थी और एक आपके पास फ्यूचर मार्केट थी, यहाँ पर आपने 170 का एक बाय किया था और 190 का यहाँ पर आपने सेल किया था, ठीक है। और ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, जब एक्सपायरी का दिन आया, लास्ट थर्सडे आया, तो क्या हुआ, प्राइस जो है कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा 150 हो गया, तो आपने 150 में, क्योंकि पहले कैश में बाय किया था, अब आपने इसको सेल कर दिया, अब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, सेल कर दिया। और ये प्राइस ही यहाँ पर फ्यूचर का भी प्राइस होगा, और आपने पहले यहाँ पर फ्यूचर में सेल किया था, अब आपको क्या करना होगा, बाय करना होगा। देखो, आप 150 में सेल कर रहे हो और 150 में बाय कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें तो आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देगी, तो नेट जो इम्पैक्ट पड़ेगा, बचेगा, वो किसका बचेगा, इन दोनों का। तो नेट नेट देखा जाए तो आपको जो है 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, बट रुको, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था बट आपके इंटरेस्ट कॉस्ट भी लग रही थी। तो अगर इसमें से अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट हटा दोगे ना, तो यू विल हैव द गेन जो आपने 9.88 रुपीज़ आपने आइडेंटिफाई किया। ये सब चीज़ें जो ऊपर की तरफ बताया है, ये सब समझाने के लिए है। एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट वही यूज़ हो रहा है कि आपने जो है बाय और सेल जो किया है, उसका डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट अराइज हो रहा है। आई थिंक क्लियर। कॉपी करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ थोड़ा सा चेंज करेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पर हमने कंपाउंडिंग ली थी, अब हम इसको इंटरेस्ट कॉस्ट कंपाउंडिंग ना लेकर डेरिवेटिव चैप्टर में हम लोग कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग लेते हैं। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग अगर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंस आएगा वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। मिलते हैं।